एक नज़र डाल लेते हैं इस पर। और यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ जहाँ पे शुरू में थोड़ा सा मोहतात अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन प्रेशर डाल के रखा। ये पहला रन आउट था जिसकी समझ आई नहीं मुझे, अपने लिए खुद मुश्किल पैदा की, वाइड चले गए रन कंप्लीट करने में, कॉल भी उन्हीं की थी। उसके बाद कुछ आउटसाइड एजेस लगे, कोई बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की गई जो कि ज़रूरत थी नहीं, यहाँ पर टाइम बचाने के लिए खेल रहे हैं। बड़ा उमदा कैच लिया सरफराज ने पीछे की तरफ दौड़ते हुए, और उसके बाद बड़ा शानदार कैच यहाँ पे स्लिप में लेकर असद शफीक ने एक बार फिर कामयाबी दिलाई कराची वाइट्स को। अली वकास लगे रहे कोशिश में कि एक एंड को पकड़ के रखें, और साथ में उनके कप्तान ने उनकी साथ देने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले आसिफ अली आउट हो गए बिल्कुल विकेट्स के सामने, अपना डिफेंस पूरी तरह से नहीं दिखा पाए। और फिर सिलसिला यही था कि पेशेंस और वेट का गेम था कराची रीजन के लिए कि कितनी विकेट्स वो हासिल कर पाएंगे दिन के आखिर तक। मीर हमज़ा को भी लाए सरफराज, और कोशिश की कि शाहनवाज दानी को भी लाएँ, खुद भी बॉलिंग की, लेकिन एक जो उनको कामयाब चेंज जो है मिल गया वो था असद शफीक में बिल्कुल आखिरी लम्हात में दिन के। और ये वो विकेट थी जहाँ पे अपना जो इन्होंने किला बनाया हुआ था डिफेंस का वो ब्रीच हो गया।